नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिवजी की अपकमिंग मूवी सर्कस की जो अभी 23 दिसंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होने वाली है, और जानते हैं दर्शक इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो सोशल मीडिया के सूत्रों से हमें पता लगा है कि सोशल मीडिया पे जो ये मूवी है बहुत ही ज्यादा छा रखी है, और इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और लगता है इस बार रोहित शेट्टी अपनी पुरानी मूवी जो भी जैसे अभी पहले इनकी इससे पहले जो मूवी आई थी वो थी सूर्यवंशी, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे और पिछली सारी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और ये मूवी कम से कम हो सकता है 500 से लेकर 700 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड कमा सकती है, और क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ है। तो चलिए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में, कैसे कमा पाएगी। इसकी सबसे जो मेन बात है, इसको जो ये हिट होने का जो मेन रीजन हो सकता है वो है रोहित शेट्टी का डायरेक्शन, क्योंकि रोहित शेट्टी का जो बॉक्स ऑफिस का जो डायरेक्शन का जो मतलब रिपोर्ट है पूरा कम से कम 90% का, एक दो ही इनके करियर की एक दो ही मूवी फ्लॉप हो पाई है, बाकी सब बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रहती है। और लोग इनको बहुत ही अच्छा डायरेक्टर मानते हैं, और जिस मूवी का भी डायरेक्शन करते हैं एक कॉमेडी कॉमिक फिल्म में बनाते हैं ज्यादातर, और जिसमें कि लोग पूरा एंटरटेनमेंट मसाला टाइप की मूवी बनाते हैं, और जिससे कि एक्शन थ्रिलर मूवी रहती है इनकी, तो ज्यादातर लोग इनको इसलिए पसंद करते हैं, और ये मजे हुए डायरेक्टर हैं। और अब आते हैं इसकी सेकंड स्टोरी भी, इसकी निश्चित ही कोई अच्छी स्टोरी होगी, और जो इसकी मेन है उसकी स्टार कास्ट। इसमें उन्होंने एक बार फिर अपने चहेते एक्टर रणवीर सिंह को लिया है। रणवीर सिंह भी अपने आप में एक बहुत बड़े एक्टर हैं, हालांकि उनकी पिछली मूवियां एक के बाद एक फ्लॉप होती जाती हैं जा रही हैं, जिससे कि उनके लिए भी एक चैलेंजिंग रोल है, और वो भी इस मूवी से कमबैक करेंगे, निश्चित ही कमबैक करेंगे। और उनके जो रणवीर सिंह के अलावा डबल रोल उसमें रणवीर सिंह का है, उसके अलावा वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, मल्टी स्टार कास्ट है, पूजा हेगड़े साउथ की, जैकलिन फर्नांडिस, काफी सारे इसमें स्टार कास्ट है, मल्टी स्टार कास्ट है, और नाम गिनाना मुश्किल हो जाएगा। तो जिससे कि ये मूवी एक कॉमिक फिल्म है, और इसको लोग इस मूवी को जैसे ही थिएटर में आएगी निश्चित ही लोग इसको देखना चाहेंगे, और ये हो सकता है 500 से लेकर 700 करोड़ कमा सकती है, और रोहित शेट्टी की पुरानी सारी मूवी का ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और जो बॉलीवुड बेस्ड टाइम जो संकट के बादल छाए हुए हैं, जैसे दृश्यम 2 ने इसको तोड़ा, और जैसे कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने इसको तोड़ा, हो सकता है ये तो ये फिर एक बार बॉलीवुड को फिर दोबारा नए सिरे से स्थापित कर सकती है और प्रूव करा सकती है, जिससे कि लोगों को बॉलीवुड की मूवी का फिर एक बार रुझान हो सके। तो सारी जिम्मेदारी अब रोहित शेट्टी के ऊपर आ गई है, तो देखते हैं दोस्तों आगे ये मूवी क्या कमाल करती है। जरूर थिएटर में जाइए और उसका एंजॉय करिए, और इसी तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए बॉलीवुड से टॉलीवुड से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।